क्या आपको कई बार किसी से कुछ पूछने में डर लगा है और क्या आप उन बेस्ट मेथड्स के बारे में जानना चाहेंगे जिससे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाए? अगर हाँ तो आज हम फिल जोन्स की बुक Exactly What to Say, The Magic Words for Influence and Impact से 5 यूनिक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इन 5 स्ट्रैटेजीज में सबसे पहली स्ट्रैटेजी कहती है द रिदम ऑफ 3। इस स्ट्रैटेजी में ऑथर कहते हैं कि जो भी काम हम दूसरे से करवाना चाहते हैं हम उन्हें 3 ऑप्शंस दे सकते हैं जिनमें से 2 ऑप्शन बहुत नेगेटिव होंगे और तीसरा ऑप्शन वो होगा जो हम चाहते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपने एक नया बिजनेस खोला है और आप अपने फ्रेंड को कन्विंस करना चाहते हैं कि वो इस नए स्टार्टअप में आपका को-फाउंडर बने। तो हम इस सिचुएशन में कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है यार, तू इस जॉब में है जो तुझे ज्यादा पसंद नहीं है, ना इसमें तुझे काम करने में कुछ मजा आ रहा है और ना ही तुझे कोई ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो देख, तेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, पहला तो ये कि तू कोई दूसरी जॉब देख जिसके लिए तुझे बहुत सी कंपनीज में अपना रेज्यूमे सेंड करना होगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे और फाइनली किसी एक में सिलेक्शन होगी और उसके बाद भी नहीं पता कि तुझे उस जॉब में मजा आएगा कि नहीं। ऑप्शन 2, तू कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना कर और यही जॉब करता रहे और अपनी पूरी लाइफ अपने सामने सामने खत्म होते हुए देख कि तू कुछ बड़ा कर सकता था लेकिन तूने कुछ किया नहीं। और फाइनली तेरे पास है ऑप्शन 3, या तू मेरे साथ स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता है, बेशक जॉब के साथ ही करता रहे, अगर ये स्टार्टअप चल पड़ा तो तू जॉब छोड़ देना वरना कोई नुकसान तो है नहीं। अब 3 ऑप्शंस ह्यूमन माइंड आसानी से सुन सकता है और कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर पहले 2 ऑप्शंस नेगेटिव हैं और तीसरे में होप दिखेगी तो बहुत चांसेस है कि दूसरा इंसान तीसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा। स्ट्रैटेजी 2 कहती है कि आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फॉर यू, बट ज्यादातर लोगों को अपना आइडियाज दूसरों को समझाने में मुश्किल होती है। पहला तो उन्हें रिजेक्शन का डर होता है जो उन्हें रोकता है और रिजेक्शन की यही शर्मिंदगी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। इस चक्कर में लोग बहुत से मौके गवा देते हैं। फिल जोन्स ने इस बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेज दिए हैं जो हमें अपना आइडिया या थॉट लोगों के सामने रखने में हेल्प करेंगे। ये हमारे मन से रिजेक्शन का डर एकदम निकाल देंगे क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। ये मैजिक वर्ड्स हैं, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फॉर यू बट, यानी मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये आपके लिए है, लेकिन किसी भी आइडिया को किसी के सामने रखने से पहले अगर हम ये वर्ड्स यूज करते हैं तो उन्हें ये फीलिंग आएगी कि हम उन पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और सिर्फ उन्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें कंट्रोल करे या प्रेशराइज करे। इसलिए जैसे ही हम ये वर्ड्स बोलते हैं हम सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। सामने वाला इंसान हमारे आइडियाज को सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, उसके मन में सवाल उठते हैं कि क्या आपका आइडिया उनके काम का है कि नहीं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम किसी को सेकंड हैंड चीज खरीदने के लिए बोलना चाहते हैं तो हम उसे कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स फॉर यू बट इज देयर एनीवन यू नो दैट माइट वांट टू यूज अ सेकंड हैंड हेयर स्ट्रेटनर। यानी मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं, लेकिन क्या आप किसी को जानते हैं जो सेकंड हैंड हेयर स्ट्रेटनर लेने के लिए रेडी हो? इस मैजिक फ्रेज को यूज करके हमने उन्हें इनडायरेक्टली सेकंड हैंड चीज ऑफर करी, क्योंकि अगर वो खुद सेकंड हैंड स्ट्रेटनर लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो वो हमें उसी वक्त बोल देंगे। स्ट्रैटेजी 3 में हमारे पास आता है व्हाट डू यू नो, क्या आपकी कभी किसी के साथ इस वजह से बहस हुई है कि सामने वाला आपको ये चताने की कोशिश कर रहा था जैसे वो सब कुछ जानता हो? ऐसी सिचुएशन को मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारी एक गलत बात या एक्शन से उनका गुस्सा भड़क सकता है। हमेशा सोच समझ कर हमें अपने शब्दों को यूज करना है क्योंकि उनके मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड की वजह से वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। लेट्स से कि हमारे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता कि लोग व्लॉगिंग से काफी अर्न कर रहे हैं और हम भी व्लॉगिंग ट्राई करना चाहते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि कल से हम व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो हम पर गुस्सा करें और उसी वक्त मना कर दें। तो अब सवाल ये आता है कि हम किस तरीके से उन्हें ये बोलें। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर मौकों पर ऐसा होता है कि सामने वाला इसलिए भी आपकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है और आप गलत हो। इसलिए उन्हें कन्विंस करने के लिए हम उनके नॉलेज के बेसिस पर सवाल उठा सकते हैं। पहले हम उनके आइडिया की जड़ तक जाएंगे जहां हम इस मैजिक वर्ड्स को यूज करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, यानी आप इसके बारे में क्या जानते हैं। इस फ्रेज के जरिए हम सामने वाले को मौका देते हैं कि वो अपनी नॉलेज को इवैल्यूएट करें, जैसे कि व्लॉगिंग वाले चैनल के केस में हम अपने पेरेंट्स से कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, मैं आपको पता है कि चैनल ABC हर मंथ कितना अर्न करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से ऑपोजिट साइड का दिमाग हमारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए ओपन रहता है और मैक्सिमम चांसेस है कि वो हमारी आगे की बात सुन लेंगे। स्ट्रैटेजी 4 कहती है इफ आई कैन विल यू, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां पर सामने वाले ने बहुत से रीजंस दिए हों हमें रिजेक्ट करने के लिए? वो चाहते हैं कि हम खुद को इस तरीके से चेंज करें जो उनकी कंडीशन के हिसाब से हो। उन्होंने हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे ऐसा लगे कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, तो हमें उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे उन्हें लगे कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और ऐसा करने के लिए हम उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, इफ आई कैन विल यू, यानी अगर मैं ये करता हूँ तो क्या आप मान जाओगे। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हम सेल्स करते वक्त ये पूछ सकते हैं, इफ
I can lower the price, will you buy my product? यानी अगर मैं प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दूं, तब क्या आप इसे खरीदेंगे या नहीं? जब इस सवाल का जवाब हमें पता चल जाएगा तो हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ये हमें बताएगा कि दूसरा इंसान एक्चुअल में सिर्फ बहाने मार रहा है या वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। लेट्स से कि अगर इस केस में वो पहले हमारा प्रोडक्ट ना खरीदने के लिए प्राइस को एक इशू बता रहे थे, लेकिन प्राइस कम करने के बावजूद वो बहाने मारते हैं, तो हमें ये क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में है और इस फीडबैक से हम एक्चुअल में अपना प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक और सिनेरियो देखते हैं जहां पर हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, वो है हमारे फ्रेंड्स के साथ। जैसे मान लीजिए कि हमारे फ्रेंड ने हमारे साथ मूवी देखने का प्लान रिजेक्ट कर दिया है और वो ये बोल रहे हैं कि वो बहुत बिजी है, तो हम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अगर मैं मूवी जाने का प्लान नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसका जवाब सुनकर हमें ये पता चल जाएगा कि वो वाकई में बिजी है या मना करने की वजह कुछ और है। हो सकता है कि उसे मूवी पसंद ही ना हो, या हो सकता है उसे हमारी कंपनी पसंद ना हो। इस फीडबैक से हम सिचुएशन को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इस ट्रिक को हम अपने करीबी रिश्तेदारों में भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ऐसे में अक्सर हम ऐसे पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं जहां ये जानना जरूरी होता है कि सामने वाला हमारे साथ अपना फ्यूचर देख भी रहा है या नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम पूछ सकते हैं, अगर मैं तुम्हारे शहर शिफ्ट हो जाऊं तो क्या तुम इस रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट करते हो या नहीं? उनके आंसर के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि रिलेशनशिप आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 5 कहती है जस्ट इमेजिन। अगर बात ऑप्शंस की आए तो इंसान दो बार डिसीजन लेता है, एक बार अपने माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। आमतौर पर हम मन ही मन इमेजिन करने लगते हैं कि अगर हम सिचुएशन के हिसाब से अग्री कर लेते हैं तो क्या होता। जो चीज हमारे माइंड ने देखी है अगर वो सही लगेगी तभी हम ऑप्शन से अग्री करेंगे। अगर हम बात की शुरुआत जस्ट इमेजिन से करते हैं तो दूसरा इंसान उसे रियलिटी में इमेजिन करने लगता है, जिसकी वजह से हमें मौका मिल जाता है उसे इन्फ्लुएंस करने का। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम जस्ट इमेजिन फ्रेज यूज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है जस्ट इमेजिन, अगर हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा नाम भी फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 लिस्ट में होगा। जस्ट इमेजिन योर वाइफ्स फेस व्हेन शी सीज यू फिनिश दिस, यानी तुम जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारी पत्नी तुम पर कितनी प्राउड होगी अगर वो तुम्हें ये चीज कंप्लीट करते हुए देखती है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस बहुत से लोगों को मोटिवेट करेगा। जस्ट इमेजिन हाउ योर कोवर्कर्स वुड रिएक्ट इफ दे न्यू अबाउट दिस, यानी इमेजिन करो कि तुम्हारे कोवर्कर्स कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें इस बात का पता चलेगा। नेक्स्ट आती है बोनस स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी नंबर 6, टू टाइप्स ऑफ पीपल। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वैसे तो सबके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी को कन्विंस करना है तो एंड में हमें उन्हें दो ही ऑप्शंस देने होंगे। जस्ट इमेजिन अगर हम किसी ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर कोई सोने की अंगूठी खरीद रहा है तो दुकानदार आपको एक एक करके काफी अंगूठियां दिखाता है और उसके बाद खुद ही एक एक करके एलिमिनेट करता रहता है, ताकि एंड में आपके पास सिर्फ दो अंगूठियां ही बचे, जिसकी वजह से उनकी सेल्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हम एज अ कस्टमर खुद कभी भी 20 अंगूठियों में से एक अंगूठी चूज नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो हम बहुत ज्यादा दुकानदार का टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर इसी कॉन्सेप्ट को बोलकर इम्प्लीमेंट करना है तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, देखो यार दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो दूसरों को बैठकर सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं और दूसरे जो एक्शन लेते हैं और खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक और एग्जांपल ले तो हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, पहले जो अपने पर्सनल फिनेंसेस औरों के हाथ में छोड़ देते हैं और प्रे करते हैं कि उनके डिसीजंस ठीक हों, और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो खुद इन्वेस्टमेंट को समझते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर अपने हाथ में ले सकें। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको फिल जोन्स की बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से बताए हैं, तो अगर हम ऐसी और अमेजिंग डिटेल्ड बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें हम अपने फ्री टाइम में कभी भी सुन सकते हैं। तो अगर हम अपने फ्री टाइम में अपने दोस्तों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।